एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपको न्यूमेरिकल आया तो देखो ध्यान से कैसे करना है पोटेंशियल का। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके सॉल्व करते हुए आपको वेक्टर नहीं ड्रॉ करना। तो आपने क्या करना है, क्यू वन चार्ज गिवन है, आपको 2 मीटर दूर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला पोटेंशियल का आपको पता है, 1/4πε01/2 q1/r आंसर। कोई वेक्टर नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं, सीधा पर वैल्यू पुट करो, काम खत्म हो गया। जैसे सपोज करो आपको 2 चार्जेस गिवन है, 1 और 2 कूलम, और इनके बीच में दूरी कितनी है, 7 मीटर। आपको पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो 1 कूलम यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा, जहाँ पोटेंशियल निकालना है वहाँ चार्ज प्लस 1 एज्यूम करना है। तो 1 कूलम ने कितना पोटेंशियल लगाया, 1/4πε01/3। फिर उसके बाद 2 कूलम ने यहाँ क्या पोटेंशियल लगाया, 1/4πε02/4 आंसर। खत्म। कोई प्लस 1 के ऊपर वेक्टर नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डालो, ऐड करो, डन, क्लोज। मान लो एक क्वेश्चन आता है कि 1 और 1 कूलम है और इसके मिड पॉइंट पे 1 मीटर दूर मिड पॉइंट पे आपको ई निकालना है। देखो मैंने अब बोला ई निकालना है, जहाँ ई निकालना है वहाँ चार्ज प्लस 1, क्योंकि ई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। ई का फॉर्मूला हमने किया था दूसरे चैप्टर में, 1/4πε01/1 का स्क्वायर। इधर से ये प्लस 1 भी इसे रिपेल करेगा। 2 वेक्टर ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, नेट वेक्टर क्या आ गया, 0। तो ई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 0, बात होगी खत्म। पर पॉइंट ये है कि ई की कैलकुलेशन में वेक्टर को यूज करना है, कोई डाउट इसमें। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हो, 1 1 कूलम, 1 1 मीटर दूर आपको वी निकालना है, जहां ई निकालना है वहां प्लस 1, जहां वी निकालना है वहां भी एज्यूम कर सकते हैं चार्ज कितना पड़ा हुआ है, प्लस 1, एक ही बात है। पर वी निकालने में किसी भी वेक्टर को यूज नहीं करना। तो क्या करना, सीधा वैल्यू बोलना, ये 1 कूलम यहाँ पे वी क्या लगाएगा, 1/4πε0q/r, और वो 1 कूलम क्या लगाएगा, 1/4πε0q/r आंसर, डन, क्लोज। कोई वेक्टर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ऐड करो आंसर। सबसे आसान यही है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें। फिर एक ऑब्जेक्टिव आएगा आपके पेपर में, ऑब्जेक्टिव ये आएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 चार्जेस के बीच में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 आ जाए पर पोटेंशियल 0 ना आए। हाँ, ये रहा वो पॉइंट, ये देखो ई यहाँ पर क्या, मिड पॉइंट पर 0, पर देखो वी 0 नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पोटेंशियल भी नहीं होगा, पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस, जो प्लस और प्लस चार्जेस पोटेंशियल तो लगा ही रहे हैं, पर ई इज अ वेक्टर, तो वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। अगर बाय चांस यहाँ पे ऐसा होता, ये चार्ज होता नेगेटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, इतना लगाएगा। तो आपने पोटेंशियल की कैलकुलेशन में माइनस साइन को लेना है, इम्पॉर्टेंट। आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको फोर्स और फील्ड के करवाए, ई और एफ के, मैंने हमेशा कहा मॉड लेना, वैल्यू लेना, माइनस साइन फॉर्मूले में मत लेना, लेकिन वी और एनर्जी के अंदर नेगेटिव साइन लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स और ई वेक्टर थे, हम माइनस साइन का यूज वेक्टर ड्रॉ करने में यूज कर लिया करते थे, तो हमारा काम डायरेक्शन से हो जाता था। पर क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर तो है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल लगाएगा, तो नेट आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, 0 वोल्ट। तो आपने माइनस साइन को लेना है, स्केलर्स में लेना है, वेक्टर्स में नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहाँ तक? तो आज के बाद पोटेंशियल की कैलकुलेशन में लेना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, आपको क्या करना है, 1 कूलम 1 कूलम, तो ये गिवन होगा 3 3 4, पाइथागोरस से 5 5, आपको क्या निकालना है, इसके टॉप पे वी निकालना है। वी जहाँ निकालना है, इमेजिन करना है प्लस 1 है, तो ये 1 कूलम यहाँ पे वी क्या लगाएगा, 1/4πε01q/r, और ऐसे ये 1 कूलम भी एग्जैक्टली सेम वी लगाएगा, 1/4πε0q/r। ये आपके पास न्यूटन पर कूलम क्या आ गया, ओ सॉरी, न्यूटन पर कूलम नहीं है, ये जूल पर कूलम क्या आ गया, या वोल्ट लगाओ यार, इसका चक्कर ही मत डालो, वोल्ट क्या आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे वी निकलेगा, तो पड़ोस के चार्ज वी लगाएंगे
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव है नेगेटिव, एज इट इज ऐड कर देना, डन। कोई डाउट इसमें? ओ अपॉन फाइव, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो अपॉन फाइव होएगा इसमें। तो नेक्स्ट है, जैसे ये बाद में करना है हमने, इसमें नहीं करना, ठीक है। तो आई होप इसमें ये वैल्यू निकालनी आ रही है। चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे सपोज आपके पास दो कूलम चार्ज है, तीन कूलम चार्ज है, माइनस पाँच या माइनस रहने देते हैं, यहाँ पे आपको वी निकालना है और ये माइनस तीन कूलम है, इस पॉइंट पे वी निकालना है और ये वन मीटर है और ये वन मीटर है। तो कौन वी लगाएगा इस पे? दो चार्जेस लगाएंगे तो ये चार्ज कितना वी लगाएगा? वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस टू, और वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कितने? माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन। तो जो भी आंसर आएगा इतने वोल्ट आपके पास आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आंसर ठीक।